हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. ठीक है, हम इस वीडियो में अब जो एग्जांपल 7, 8 और 9 आपके रह गए थे, आपके यहाँ तक के एग्जांपल्स हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों. ठीक है, 6 तक के. अब 7, 8, 9 रह गए थे, मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ. ठीक है, कन्वर्ट 0.36 इंटू पी बाई क्यू. आपको क्या करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में. तो आपको सेम वही करना है जो आपको दिया हुआ है 0.36 बार. इसको किसके इक्वल कर देना है, एक्स के इक्वल कर देना है. एक्स इज इक्वल टू 0.36 बार. अब आप ध्यान से देखो, इस पर बार किस पर लगा है, बार ओनली 6 पर लगा है. ध्यान से देखो, बार ओनली 6 पर लगा है. तो जिस पर बार लगा होता है ओनली वही डिजिट रिपीट हो रही होती है. ठीक है, तो इसका मतलब ओनली 6 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, क्योंकि बार ओनली 6 पर लगा है. तो एक्स इज इक्वल टू 0.36 बार. ये तो आपकी इक्वेशन 1 हो गई. अब आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से, क्योंकि ओनली वन डिजिट रिपीट हो रही है. तो आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, x को 10 से किया तो 10x, और 0.36 बार को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3.6 बार आ गया. ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई. ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, मैं आपको इसको करके ही बता देती हूँ बच्चों. आपके, मैं कुछ शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, आपके फर्स्ट इक्वेशन तो क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 0.36 बार. ये तो आपकी इक्वेशन 1 आ गई. ठीक है, इसको आप हटाओ, ये यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं इस जगह पे. ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई. इसके बाद आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल्स टू आपके क्या आ गया, 10x इज इक्वल्स टू आपके आ गया 3.6 बार. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई. ठीक है, अब आपको इसके बाद क्या करना है, मैंने इसको नए पेज में ही बताती हूँ आपको. इसमें क्या बोल रहा है कि आपको बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया 0.36 बार है. ठीक है, ये दे रखा है आपको. अब आप देखोगे कि ओनली 6 के ऊपर ही आपके क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है. तो आपको क्या करना, इसमें नॉन रिपीट, ये तो जिसके ऊपर बार लगा होता है वो आपकी रिपीटेटिव डिजिट होती है, और जिस पर बार नहीं लगा होता है वो आपके नॉन रिपीटेटिव डिजिट है. तो ये आपकी नॉन रिपीटेटिव डिजिट है. तो आपको नॉन रिपीटेटिव डिजिट को इधर डेसिमल से आगे लाना होगा. इन वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, जो नॉन रिपीटेटिव डिजिट है उसे आपको डेसिमल से आगे लाना होगा. तो इसको डेसिमल से आगे लाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये डेसिमल से आगे आ जाएगी. तो पूरी इक्वेशन ही 10 से मल्टीप्लाई होगी. इस केवल इसको तो कर नहीं सकते, पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा. तो 10x इज इक्वल्स टू 360 आया. तो जब 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 के बाद डिजिट है तो 1, 2 यहाँ आ गया आपके ये, और 6 पे तो बार है ही सही. तो ये आपकी, ठीक है, 6 पे बार है ही सही. तो आपकी ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई आपकी, या फिर आप इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 1 है. ठीक है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो नॉन रिपीटेटिव डिजिट है ना वो भी डेसिमल के बाद प्रेजेंट है. जितनी भी नॉन रिपीटेटिव डिजिट है ना उसको आपको डेसिमल के पहले लाना पड़ेगा. तो इसको डेसिमल से पहले लाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. तो ये अब डेसिमल से पहले आ गई. अब अपना नॉर्मल मेथड फॉलो होगा. नॉर्मल मेथड क्या फॉलो होगा, अब देखते हैं कि रिपीटेटिव डिजिट कितनी है. इसमें ओनली एक ही डिजिट रिपीट हो रही है. कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, ओनली एक ही डिजिट रिपीट हो रही है. तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. जब एक ही डिजिट रिपीट होती हो रही है तो आप इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से. तो आप इस इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 10 से. तो मैंने इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से. तो ये तो हो गया आपके 100x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 36 तो पहले से था ही सही, 10 और लग गया. ठीक है, कितने के बाद डेसिमल लगाना है, ओनली 360 तो है ही सही, 10 और लग गया. ठीक है, तो कितने के बाद जीरो लगेगा, 1, 2. तो ये आपके ये 1, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. अब मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 36 आ गया ये. ठीक है, तो 1, 2 यहाँ पे आपके डेसिमल आ गया. तो ये आपका 36 हो गया. क्या हो गया, 36. लेकिन 6 तो आपका बार बार रिपीट हो रहा है ना बच्चों. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 100x इज इक्वल्स टू 36.6 बार. अब बताओ, मैंने जबकि मेरे यहाँ 6 पीछे आ ही नहीं रहा था तब भी मैंने 6 बार क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये 33.6 ही थोड़ी है ओनली, ये तो 3.6666 इतना कुछ है. ठीक है, ये तो इतना कुछ है आपका. तो मैंने इसको 36.6 बार लिख सकती हूँ, क्योंकि जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आपके 36.6 समथिंग आया होगा, फिर बार आया होगा. ठीक है, तो इस वजह से ये 36.6 बार है. क्यों है, क्योंकि ये 3.6 ही थोड़ी है, तो 3.666 कुछ है.
ठीक है, तो जब मैंने इसको वापस से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 36 तो आएगा ही सही, 0.6 बार आएगा, इसलिए मैंने इसको 36.6 बार लिख दिया और मैंने इसे इक्वेशन 3 लिख दिया। अब वैसे उसकी तरह करेंगे, इस इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे आप? माइनस, तो आपका इक्वेशन 300x इज इक्वल्स टू 36.6 बार, और उसके बाद आपके इक्वेशन 2 कौन सी है? 10x इज इक्वल्स टू 3.6 बार। आपको पता है जब माइनस करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों प्लस में हैं तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब 100x में से 10x गए तो आपके आया 90x, उसके बाद आपके 36.6 बार गया तो आपके बचा 33। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए x इधर रह जाएगा और 33 के 90 डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका ये आंसर यहाँ पर आ गया। ऐसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सही से बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है देखो, शो दैट 0.2 बार कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ, इसको आपको इस वही है, इसको आपको पी बाय क्यू की टर्म में लिखना है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, मैं इधर लाइन डाल देती हूँ। पहले आपको दिया है, सबसे पहले जो भी आपको दिया होता है उसको एक्स के इक्वल मान लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल्स टू 0.2353535 ये दिया है आपको, ठीक है, और इसको आपने वो इक्वल्स टू 0.235 का बार लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.235 का बार ऐसे लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आप देखोगे कि पीछे नॉन रिपीटेटिव डिजिट कितनी है, बाकी सब तो रिपीटेटिव डिजिट है लेकिन ये 2 जो है नॉन रिपीटेटिव डिजिट है। तो जैसे अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इस नॉन रिपीटेटिव डिजिट को अपने को डेसिमल से पहले लाना पड़ेगा, तो इस नॉन रिपीटेटिव डिजिट को आपको डेसिमल से पहले लाने के लिए आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये आगे आ जाएगी। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 10x इज इक्वल्स टू आपके आंसर आ गया 2.3535, या फिर इसे अपन लिख सकते हैं 2.35 बार। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, 10 से मल्टीप्लाई करते ही आपके 2 जो है आगे आ गया, कहाँ आ गया? आगे आ गया, और पीछे केवल 3535 रह गया आपके, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस वाले क्वेश्चन में रिपीटेटिव डिजिट कितनी है, अब आप वैसे ही सेम होगा, रिपीटेटिव डिजिट कितनी है इस क्वेश्चन में? 2 आपके रिपीटेटिव डिजिट है। कितनी है? 2 आपकी रिपीटेटिव डिजिट है। जब अगर एक रिपीटेटिव डिजिट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब 2 रिपीटेटिव डिजिट होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, नॉन रिपीटेटिव डिजिट दी हुई होगी तो, अगर नहीं दी होगी तो आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिपीटेटिव डिजिट देख के 10 या 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नॉन रिपीटेटिव डिजिट दी होगी तो आपको नॉन रिपीटेटिव डिजिट को डेसिमल से आगे लाना पड़ेगा, और आगे लाने के लिए आप जिससे भी मल्टीप्लाई करना पड़े आपको, 10, 100 जिससे भी, उससे मल्टीप्लाई करके आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 रिपीटेटिव डिजिट है, 2 रिपीटेटिव डिजिट है यानी कि अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपकी इक्वेशन 1 है उसे आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 रिपीटेटिव डिजिट है। तो मैं इस 10x को 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो अपने पास 1000x आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 2.35, ठीक है, 2.35 100 से मल्टीप्लाई किया, 2.35 तो आपके पहले से है ही सही, ठीक है, 3535 आपके पहले से है ही सही, और इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया तो आपके ये 35 और आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, आपके आंसर क्या आ जाएगा? 2.35 का बार। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.35 और आगे आ जाएंगे, और डेसिमल जब भी आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल जो होता है उतना पीछे खिसक जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना आपको, तो ये डेसिमल पीछे खिसक जाएगा, तो ये पीछे किसका? तो 2.35 पहुँच जाए, तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। क्या आ गई? इक्वेशन 2। अब वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है। क्या करना है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है आपको। तो इक्वेशन 2 तो कौन सी है आपकी? 1000x माइनस 2.35, और इक्वेशन 1 कौन सी है आपकी? ये वाली 10x वाली। तो 10x इज इक्वल्स टू 2.35, ये भी बार है, ये भी बार है, माइनस कर दो, 1000 में से 10x गए तो क्या बचेगा? 990x बचेगा, और इसमें से ये माइनस हुआ तो आपके क्या बचेगा? 233 बचेगा, माइनस करो आप, देखो आ जाएगा आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 233 अपॉन
990। बेटा मैं आपसे होप करती हूँ कि आपको 100 वगैरह से मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, ठीक है। 1100 से आपने छोटी क्लासों में ही सीख लेते हो, ये नहीं आता है तो सीखो बेटा, ये तो अब मैं हर चीज़ तो बताऊँगी नहीं, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल और है जो हम सॉल्व करेंगे, वो है आपका एग्जांपल नंबर 9, ठीक है। एग्जांपल नंबर 9 वही जो भी दिया हुआ है उसे आप किसके इक्वल कर दो, एक्स के। तो आपको दिया है 0.123 बार दिया है। 1.23 बार का मतलब क्या है, 0.12333, ये 3 जो है आपके कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 आपके कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, रिपीट की तो ठीक है, अनरिपीट जो नॉन रिपीटिंग डिजिट कितनी है, नॉन रिपीटिंग डिजिट है 1 और 2, 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट है, कितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट है 2, तो इसको आगे लाना पड़ेगा। तो 2 नॉन रिपीटिंग डिजिट है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो ये जो इक्वेशन 1 है ना आपकी, इक्वेशन 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, क्यों करो, क्योंकि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उन्हें आगे लाने के लिए। तो मैंने इसको 100 एक्स से मल्टीप्लाई किया, नॉन रिपीटिंग डिजिट आगे आ जाए और ये आपके पीछे ये आ गया, या फिर इसे आप इसे 12.3 बार भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब आप देखो इक्वेशन 2 में देखो, अब आपके पास रिपीटिंग डिजिट कितनी है, ओनली 1, ओनली 3 तो है, 3 रिपीट हो रहा है तो ओनली 1 रिपीटिंग डिजिट है, कितनी 1, तो ओनली 1 रिपीटिंग डिजिट है तो उसे ओनली 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके क्या आया, 1000x आया 10 से मल्टीप्लाई करने पर, और इधर 10 से मल्टीप्लाई किया यानी ये 3 भी आगे आ जाएगा, तो 123.3 बार ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब वही करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 3 को 2 से माइनस करेंगे, 3 है आपकी 1000x इज इक्वल्स टू 123.3, ठीक है। और 2 इक्वेशन है आपकी कौन सी, देखो 100x इज इक्वल्स टू 12.3, दोनों पे बार लगा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके बचेगा 900x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके बचेगा 125.3। माइनस करो यही आएगा, देखो मैंने किया है, ठीक है, 3 में से 3 गए तो 0, सॉरी मैंने 3 में से 3 गए तो 0, 3 में से 2 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 1, सॉरी यह आया आपकी 11.0। तो x इज इक्वल्स टू 111/900, क्या आ गया 900। क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है बच्चों, आपको लग रहा है किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, किस से, 3 से, 3 3 ज़ा 900, 3 3 ज़ा 9, 2 बचे, ठीक है, 3 7 ज़ा 21, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका ये डिवाइड में आंसर आ गया, ठीक है। तो आज मैंने ये सारे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाए हैं बच्चों, ये सारे एग्जांपल एक बार आप खुद से सॉल्व करो, और वो भी लिख कर, जब तक आप राइट करके सॉल्व नहीं करोगे ना आपको नहीं होएगा। आप लोग क्या करोगे, पढ़ते जाओगे और आपको लगेगा हाँ मुझसे तो हो रहे हैं, तो लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, जब आप एग्ज़ाम में करते हो तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो हर एग्ज़ाम्पल को आप राइट करके सॉल्व करो, ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, stay home, stay safe, bye bye.